हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जितने भी हमारे आईआईटी जाम के एस्पिरेंट्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। जैसे कि आपको पता है बच्चों, फिलहाल चल रहा है हमारा 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज, जिसमें आपको डेली मिल रहे हैं क्वेश्चंस टू सॉल्व इन दी वेबसाइट। तो आपने अगर पहले सॉल्व नहीं किया है तो गड़बड़ कर रहे हो। पहले जाइएगा वेबसाइट पे, जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही आपको इनके सॉल्यूशंस देखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम में 50% वेटेज हमारे एमसीक्यूज का होता है। तो बहुत जरूरी है बच्चों कि आपने एमसीक्यूज की बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली हो। देखते हैं सवाल क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन, एक म्यूटेशन हुआ है, साइटोसिन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एडिनोसिन। तो एक साइटोसिन था, साइटोसिन को हटा के उसके जगह पे वहां पे एडिनोसिन आया है, has taken place in a gene, but the protein sequence is not altered. मतलब क्या? मतलब यहाँ पे हमारा कोडॉन तो चेंज हुआ, क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा बच्चों तो इससे हमारा कोडॉन भी चेंज होगा, बट इस कोडॉन की चेंज की वजह से दूसरा अमाइनो एसिड कोड होगा ये बात नहीं है, है ना। ड्यू टू दिस चेंज्ड कोडॉन इट इज नॉट लाइक कि अमाइनो एसिड भी हमारा चेंज हो जाए। ये क्यों होता है? क्योंकि जो कोडॉन्स होते हैं दे एग्जिबिट अ फेनोमेना जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी, है ना, बिकॉज दे आर डीजेनरेट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर एग्जिबिटिंग दिस डीजेनरेसी। मतलब अगर कोडॉन हमारा चेंज भी हो जाए पर कोडॉन के चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड चेंज नहीं होता है। अगर अमाइनो एसिड चेंज नहीं हो रहा है बच्चों तो इससे हमारा फिर प्रोटीन का भी सीक्वेंस चेंज नहीं होगा, और ऐसे टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं बच्चों साइलेंट म्यूटेशन। अगर एक म्यूटेशन हो जाए जिस म्यूटेशन की वजह से हमारा स्टॉप कोडॉन जनरेट होता है, वो म्यूटेशन को हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन। भाई अगर कोडॉन चेंज होता है दैट ऑल्सो लीड्स टू द चेंज इन अमाइनो एसिड, सो दैट इज अ मिससेंस म्यूटेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल्स हमको किन पत्थरों में ज्यादा देखने को मिलता है? द आंसर फॉर दैट इज सेडिमेंटरी रॉक्स, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक नहीं, सेडिमेंटरी रॉक। जो आप पूरी रॉक साइकिल पढ़ते हो ना, रॉक साइकिल में बताया गया कि जो फॉसिल्स है, जो भी बहुत पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट किया करते थे, उनके कुछ लिविंग टिश्यूज हो सकते हैं, उनके इम्प्रिंट्स हो सकते हैं, ये हमको यूजुअली सेडिमेंटरी रॉक्स में देखने को मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी? अब बच्चों होमोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो होमोलॉजी का मतलब होता है कि ऐसे चीजें जिनका हुआ है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर एज एन अडेप्टेशन ऑफ द एनवायरमेंट इन स्पीशीज हैविंग कॉमन एंसेस्टर। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर है, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर है, पर उन एंसेस्टर का क्या हुआ है, आज के दिन उनका फंक्शन चेंज हो चुका है। जैसे कि वही प्लांट का पार्ट है पर बुगनविला में वो कांटों का काम करता है, थॉर्न्स बन चुके हैं, बट कुकुरबिटा मतलब जो क्यूकम्बर वाली जो फैमिली होती है उस फैमिली में वो टेंड्रल्स का काम कर रहे हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी कि वो एक टाइप के ही डर्मल सेल से बने होंगे। जब एक ऑर्गेनिज्म का फर्टिलाइजेशन होता है, जब उसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस आते हैं, गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है, तो बच्चों होमोलॉजी की बात हो की जा रही है, इसका मतलब क्या, एंसेस्टर वहां पे सेम रहा है बट उस सेम एंसेस्टर का आज के दिन में फंक्शन अलग है। सो ऑप्शन नंबर 4 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग दिस सब्सटेंस सीम्स टू हैव डेवलप्ड थ्रू अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन प्रोसेस as traces of this habit have been separately in many of the early civilizations. ये substance कैसा है, soft है, cohesive substance है, designed to be chewed without being swallowed. अब तो आपको answer मिल जाना चाहिए, इसको हमको सिर्फ chew करना होता है, swallow नहीं करना होता है। It is made up of chicle, sweetness, softness, flavors, colors, hard or powdered polyol coating. तो क्या है, chewing gum, है ना, क्योंकि बताया गया कि एक सॉफ्ट एंड कोहेसिव सब्सटेंस है, इसको सिर्फ चू करना है, इसको कंज्यूम नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर 4 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर्स। ध्यान रखना है बच्चे, इफ यू आर टारगेटिंग आईआईटी जैम बीटी तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। Which of the following is called as Sewell-Wright effect? I think ये तो बहुत ईजी है, ये होता है बच्चों
जेनेटिक ड्रिफ्ट, दिस इज एक्चुअली अ रैंडम चेंज. जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? इट इज अ रैंडम चेंज, एक सडन रैंडम ड्रामेटिक चेंज आना, जहां पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हेल्दी सर्वाइव करेंगे या फिर लीथल सर्वाइव करेंगे. कोई भी यहाँ पे स्पीशीज फिक्स हो सकती है. सो ऑप्शन नंबर 3 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर. आई होप ऑल दी क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन. आप लोगों को डेली विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे, विच इज ifasonline.com, और बच्चों वहां जाके आपको अपनी पूरी प्रैक्टिस पढ़ाई करते रहनी है. बहुत सारे सारे प्रीवियस ईयर के पूरे 20 साल के पेपर्स वहाँ पे अवेलेबल है. पूरा पेपर का एनालिसिस किया है कि किस साल में कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे. स्टडी इट एंड दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. तो जाके PYQs को सॉल्व करें, ये 100 डेज क्वेश्चन को सॉल्व करें, और आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन यहाँ से ही हो जाएगी. आई होप द इन्फॉर्मेशन इज क्लियर. सी यू ऑल सून बच्चों. हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी हैप्पी लर्निंग.